हेलो जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग? ठीक होंगे। आप लोगों को बहुत खुशी हुई होगी कि सऊदी अरब में मस्जिदें चालू हो रही है नमाजों के लिए, फ़र्ज नमाज और जुम्मा की नमाज के लिए। लेकिन दोस्तों, इस पे कुछ नियम रखे गए हैं, इस पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि मस्जिद कैसे चालू करना है, कब चालू करना है और क्या क्या रूल्स है मस्जिद चालू करने के और नमाज पढ़ने के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या है, इसमें सब कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो बने रहिए। डेली 5 टाइम की नमाज के अलग है और जुम्मा की नमाज के दिन का अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बताता हूँ मैं डेली के 5 टाइम नमाज के और जो है जुम्मा की नमाज के क्या क्या इसमें रूल्स बताए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पूरा वीडियो ताकि आप लोगों को समझ में आए। शेयर कर दीजिए ताकि सब मेरे जो जितने भी भाई नमाज पढ़ने को मस्जिद जाते हैं सऊदी अरब में, वो लोगों को पता चले कि आपको क्या क्या करके आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहले आपको मैं बताता हूँ जुम्मा की नमाज के हवाले। जुम्मा की नमाज में दोस्तों बोला गया है कि जल्द से जल्द आपको मस्जिद को आना है, यानी कि मस्जिद को जल्दी आना है आपको। मस्जिद जल्दी बंद कर दी जाएगी, नमाज जल्दी हो जाएगी। लेकिन आपको जो है, आप जब मस्जिद में जाते हैं तो आप जो जगह पे बैठे हुए वो जगह पहले से आपको चॉइस करके रखनी है और 2 मीटर का आपको डिस्टेंस रख के बैठना है। दूसरे नंबर पे बोला गया है द फर्स्ट कॉल टू प्रेयर इन 20 मिनट्स बिफोर द टाइम बिगेन, यानी कि 20 मिनट पहले ही, नमाज से 20 मिनट पहले ही पहली अजान देना है, क्योंकि सऊदी अरब में 2 अजान होती है आपको पता ही है। पहली अजान 20 मिनट पहले ही देना है। फिर 3 नंबर पे बोला गया है ओपनिंग मस्जिद 20 मिनट बिफोर फ्राइडे प्रेयर एंड क्लोज देम 20 मिनट्स आफ्टर, यानी कि 20 मिनट पहले ही मस्जिद चालू करना है, फिर नमाज के 20 मिनट बाद ही मस्जिद को क्लोज कर देना है। ठीक है, 5 नंबर पे बोला गया है रिक्वेस्टिंग वॉर्डशिप टू द लीव डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स बिटवीन ईच वॉर्डशिप, यानी कि आपको 2 मीटर का फासला रख के बैठना है। ठीक है ना। और 6 नंबर पे बोला गया है लीव ऑन स्पेस बिटवीन ईच ड्रॉ, यानी कि आपको जहां आप जाते हैं वहीं पे आपको बैठ के रहना है आप। ठीक है ना। और एक बात आपको खुद से ध्यान रखना है, मास्क लगा के जरूर जाना। ठीक है ना। 7 नंबर पे क्लोज ऑल वाटर कूलर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स, यानी कि मस्जिद में, सऊदी अरब मस्जिद में फ्रिजा रखे हुए होते हैं और जो है कूलर्स होते हैं, जो पानी के कूलर जो होते हैं उसको बंद करने के लिए बोला गया है। और 8 नंबर पे नोट टू अलाउ द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वाटर और फूड इन द मस्जिद एनीथिंग ईल्स फ्रॉम गुडनेस और एक्सपेक्टेशंस, यानी कि मस्जिद में खजूर पानी के बॉटल्स वगैरह रखे जाते हैं, ये सबको ममनू कर दिया गया है, ये सब मस्जिदों में नहीं रहेंगे। ठीक है। क्लोज द टॉयलेट्स एंड प्लेस ऑफ द अब्ल्यूशंस, ठीक है, यानी कि आपको टॉयलेट्स भी बंद मिलेंगे मस्जिद में। वजू करके आपको घर से ही जाना है, घर से वजू करके जाइए, डायरेक्ट नमाज पढ़ लेके आप सीधा सीधा घर को वापस आ जाइए। ठीक है ना। तो चलिए और बताता हूँ आपको डेली नमाज के क्या यहाँ पर बोले गए हैं। डेली जो 5 टाइम की नमाज होती है उसमें क्या बताया गया है आपको बताता हूँ। पहले नंबर पे दोस्तों बताया गया है नमाज से 15 मिनट पहले ही मस्जिद को चालू करना है, और एक बात नमाज के 10 मिनट बाद मस्जिद को बंद कर देना है। ठीक है। और 2 नंबर पे मेंटेन एजुकेशन इन द वेटिंग पीरियड बिटवीन द कॉल टू प्रेयर एंड रेसिडेंस टू 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर अंदर, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी टाइम खत्म हो जाएगा, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के जो है भेज देंगे लोगों को। ठीक है। 3 नंबर पे बोला गया है ओपनिंग विंडोज एंड डोर्स फ्रॉम द इंटरिंग टाइम टू द एंड ऑफ द प्रेयर, यानी कि नमाज को, यानी मस्जिद जैसे चालू हो जाएगी खिड़कियां वगैरह डोर्स वगैरह चालू ही रखना है जब तक नमाज पूरी हो नहीं जाती, नमाज होने के बाद इनको बंद कर देना है। 4 नंबर पे बोला गया है लिफ्टिंग द कुरान एंड बुक्स टेम्पररली, यानी कि 4 नंबर पे बोला गया है जो मस्जिद में जो है कुरान शरीफ और किताबें वगैरह जो रखी रहती है उनको हटा देने के लिए बोला है टेम्पररी। दोस्तों फिर भी नमाज पढ़ने के लिए मौका मिल रहा है, मस्जिदें खुल गई है, चालू हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे बड़ा और कोई बात नहीं हो सकता, इससे ज्यादा खुशी और कुछ हो नहीं सकती। मस्जिदें चालू रहेंगी, नमाज तो पढ़ने को मिलेगा कम से कम बाद जमात। अभी रमजान में मक्का में मस्जिद अल हरम में नमाज चल रही थी, आपको पता ही होगा तरावी की नमाज के कैसा पढ़ा गया है, आप वो देखे ही होंगे। तो आपको ये ख्याल रखना है जब मस्जिद में जाते हैं तो वजू घर से करके जाइएगा, घर से बना के जाइए, फ्रेश घर से ही होके जाइए तो आपको बेहतर रहेगा। और जैसे ही अजान होती है आपको मस्जिद की तरफ रवाना होना है, नमाज पढ़ के जल्द से जल्द आपको घर को वापस आ जाना है। और मास्क लगाना मत भूलिए, मास्क लगाने से आपका फायदा होएगा, इसमें आपकी बचत हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपके साथ अगली कोई वीडियो में। जब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, और मस्जिदें चालू होते कि नमाज पढ़ना मत भूलिए, नमाज को जाइए, दुआ कीजिए अल्लाह से क्योंकि ये जल्द से जल्द ये बीमारी खत्म हो जाए, सब नॉर्मल हो जाए। ठीक है ना। तो चलिए फिर मा सलामा, पसीने निकल रहे क्योंकि गर्मी में बना रहा हूँ वीडियो, एसी चालू करता हूँ तो आवाज़ बहुत आता है इसमें, इसीलिए नॉइस आता है, इसीलिए जो है ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, मा सलामा।
तो दोस्तों मस्जिद नबवी मदीना का भी कुछ अपडेट आने वाला है इंशाल्लाह, जैसे कि आएगा वैसे हम वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए ताकि सब लोगों को पता चले, वरना फिर लोग भूल जाते हैं वजू करके जाना। शेयर करिए प्लीज़, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए दोस्तों, आप लोगों का मेहरबानी रहेगा। तो चलिए फिर, मा सलामा, अल्लाह हाफिज़।